सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब करो, वो रहा देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का जो प्लान है वो है लवासा जाने का। मेरा रूम देख लीजिए, पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ। यार पहले मैं सोचा था कि कोई मिल जाए जाने तक के लिए, लेकिन अब कोई मिल नहीं रहा है तो मैं जा रहा हूँ सोलो। तो पूरी ऑल इंडिया जर्नी सोलो ही चल रही है, हम अकेले तो क्या गम है। लवासा यहाँ से 60-70 किलोमीटर है, अप डाउन 120-125 होगा। तो आज का दिन लवासा के नाम। तो चलिए मैं आपको लवासा लेके चलता हूँ, और आज मेरी ऑल इंडिया राइड का 19वां दिन है। तो ये खड़ी अपनी वाइट टाइगर, फटाफट इसको लगाते हैं टैंक बैग को और निकलते हैं लवासा के लिए। तो गूगल भी कई बार उल्टा सीधा घुमा देता है, थोड़ा लेट बताता है, और जब हम निकल जाते हैं तब जाके पीछे वाला टर्न बता रहा है। तो 2 किलोमीटर का रास्ता लंबा हो गया, पूरा घूम के आया मैं, लेकिन कई बार ये ऐसे ऐसे रास्ते घुमा देता है जो भाई साहब जो कभी देखे ही ना हो। और मुंबई सिटी इसने तो मुझे पूरा घुमा दिया था। सिटी ट्रैफिक से निकलने में टाइम लग रहा है और 11:13 हो चुके हैं, यहीं से मुड़ना है। तो सिटी से अब आए हैं बाहर, और जो पहाड़ है सामने के वो दिखाई देने लग गए हैं, वो देखिए। आहा, क्या शानदार नज़ारा है, पहाड़ देखते ही तो मन खुश हो जाता है मेरा। तो पहाड़ियाँ हो गई हैं स्टार्ट और व्यूज भी शानदार दिखने लग गई हैं। असम असम असम। सो लवासा आई एम कमिंग। डिंग 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 डिंग। इस पे तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए यार। सो घोटेवाड़ा फाटा चौक है कोई, ये उससे जाना है, और यहाँ से लवासा रह गया है 38। सो गाइस, मैं रुका हूँ अमराले मिसल पे, जो कि 24 किलोमीटर पहले है लवासा से, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो यहाँ से सिर्फ रह गया है 24 किलोमीटर, जल्दी पहुँच जाऊँगा, आधे से एक घंटा लगेगा मैक्स अगर मैं रुक रुक के भी जाता हूँ। पीछे का जो व्यू है बहुत ही शानदार है, उधर देखिए, एक बार मैं पास लेके चलता हूँ आपको। उधर कोई लेक भी नज़र आ रही है, कौन सी लेक है ये, लेक है कोई हैं, उरवड़े कोई लेक है। तो यार मज़ा आ रहा है यहाँ पर राइड करने में, वेदर काफ़ी अच्छा है, और ये भाई मुझे बता रहे हैं बहुत सारी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से ज़्यादा मैं घूम नहीं सकता। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट में अभी मैंने मंगाया है वड़ा पाव, और एक मिसल पाव भी ऑर्डर किया है, साथ में यार थम्सअप चलेगी। तो यार मिर्च छोड़ दिया है, मिर्च मैं खाता नहीं, बाकी मिसल पाव भी आ गया है। जो मैंने साईं कृपा पे मिसल पाव खाया था उसमें जो आइटम्स थी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं। ये पाव है ऑनियन कर्ड, और ये सब्जी है मिसल पाव की मेरे ख्याल से,
और ये क्या है? सैंपल। सैंपल, अच्छा सैंपल किस चीज़ का सैंपल? मिसल पाव का। अच्छा मिसल पाव का सैंपल, तो इसको मिसल पाव का सैंपल बोलते हैं। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और फिर आगे की जो जर्नी है हम वो कंटिन्यू रखते हैं। तो फटाफट अब भागा जाए थोड़ा सा, क्योंकि 1:29 हो चुका है और शाम को एक मीट रखी हुई है मैंने। ग्रीन फील्ड देखिए, अमेजिंग है यार। और एक और ब्रेकर आ गया, सूम आहा, उधर खेती बाड़ी चालू है। सो यहीं से मुझे एक डैम नज़र आने लग रहा है, टेम घर लवाड़े। ओ माय गॉड, ये देखिए ये सामने डैम है, कितना बड़ा यार, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। अभी पानी नहीं छोड़ रखा, लेकिन भाई सीरियसली पानी तो मेरे ख्याल से छोड़ेंगे भी नहीं जल्दी से, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर। गजब अहिला लवासा 7। ओ माय गॉड, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया खोद दिया है डैम के लिए। ना 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 ना। और पुणे का ये इकलौता हिल स्टेशन है जो कि पुणे के काफ़ी करीब पड़ता है। जहाँ पर मैं रुका हूँ वहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर था, और अब यहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है बिल्कुल। भाई 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 सीरियसली काफ़ी चढ़ाई है, कैसे चढ़ते हैं लोग यहाँ के। तो यहाँ से तो ड्रोन उड़ा सकते हैं मेरे ख्याल से, ऊपर देखते हैं कहीं से, ढाबे से देखते हैं, ढाबे वाले से पूछ भी लेंगे थोड़ा सा कि उड़ा सकते हैं कि नहीं। सो यहीं से उड़ाएंगे, यहीं से उड़ाएंगे हम। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... आई थिंक हम पहुंच चुके हैं लवासा। हाय क्या फील आ रही है, ठंडी ठंडी भाई साहब। और ऐसे ही राइड करते रहे, मज़ा आ जाएगा। टू व्हीलर की पार्किंग चार्जेस 200। ओ फक मैन, वेलकम टू लवासा, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। ओ हो, मज़ा आ गया, ग्रेट। तो वापसी आते समय एक फ़ोटोग्राफ लूँगा मैं यहाँ पर, अभी नहीं जा रहा, अभी फ़ोटोग्राफ नहीं ले रहा। ओ लवासा में घुसते ही क्या सीन है यार, हाय गजब गजब गजब। तो लवासा 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 सिटी है, कहाँ है पता ही नहीं चल रहा, मुझे लग रहा है कि नीचे है। ये देखो सही मस्त मज़े ले रहे हैं लड़के ठंडी ठंडी हवा का, आहा। लेकिन अगर कोई गिर गया ना इनमें से तो सीन हो जाएगा इनका।
वेट, ओहो फोटो, अरे शानदार, बहुत ही शानदार है यार। हाँ इससे तो वहाँ पर जाने देते हैं है? बाइक जाएगा? जाएगा ना। अच्छा यूट्यूब पे भेजते हैं सब। हाँ यूट्यूब यूट्यूब हमारा भी दिखाओ। हेलो हेलो करो, हेलो 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 सारे आ रहे सारे और सब व्लॉग में आएंगे, व्लॉग में क्या? सब व्लॉग में आएंगे, वीडियो में। क्या नाम क्या यूट्यूब पे? वो लिखा हुआ कभी देखेगा आप? डालेगा डालेगा क्या शाम में? आज नहीं डालूंगा, 8-10 दिन बाद, क्योंकि पहले का भी बाकी है। डालेगा ना? हाँ डालेगा ना। हाँ हाँ पक्का। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब अभी सब्सक्राइब करो। वो रहा देखो, नेट चालू करो। वहाँ पे लिखा हुआ एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। तो चलिए नीचे चलते हैं, 4 किलोमीटर है यहाँ से और इतनी दूर आए और देखा नहीं तो भाई सीरियसली दुख होगा। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, व्यू का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से भी ड्रोन उड़ाया जा सकता है। पहले एक बार पे एंड पार्क 500 मीटर्स है, लेक व्यू हट। भाई सीरियसली यार बहुत खूबसूरत है। तो पुणे वासियों को तो जन्नत मिली हुई है एक तरीके से, वो भी 60 किलोमीटर में। तो जब मर्जी आ सकते हैं यहाँ पर। पार्किंग चार्जेस 2-व्हीलर 200। ओ भाई 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 पूरा ही हिल गया। बाइक आगे नहीं जाएगा? ₹200 पार्किंग का, महंगा नहीं है? हैं वो भी 2-व्हीलर के लिए बहुत महंगा है यार। आगे जाएगा बाइक फिर कहाँ तक? पूरा सिटी घूम सकते हैं। ओके चलो, इतनी दूर से आए हैं तो ले ही लेते भाई, है ना? क्या करें, देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल है। गवर्नमेंट के ना? नहीं प्राइवेट है। अरे यार ये तो फिर गड़बड़ है यार, प्राइवेट वाले मार रहे हैं। भाई ला देगा, लोगों को उतर के जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ₹200, वो भी बाइक की पार्किंग, और 4-व्हीलर की 500, हैवी व्हीकल की ₹1000। भाई सही में लूट मचा रखी है। खैर ये भी है कि यहाँ पर मेंटेन रखते होंगे, तो अब ये नहीं पता किसकी जेब में सारा पैसा जाता है। अच्छा ये अपने पास रखूँ? ये क्या दे रखा है स्पेशल? 50% ऑफ। अच्छा तो यार ये तो अपना तो एडवेंचर वैसे ही चल रहा है बाइक पर, क्या एडवेंचर करेंगे इससे ज़्यादा। हम इसको रख लेते हैं भाई, ₹200 की लग गई आज। एक्स थ्रिल इधर है, लिंक रोड इधर है, तो हमें तो थ्रिल कोई करना नहीं है, ऑलरेडी थ्रिल हमारा चल रहा है बाइक पर। तो एक बार बीच में रुकता हूँ मैं, लोग यहाँ पर गए हुए हैं, वाह क्या शानदार जगह बना रखी है। तो यहीं पर रोकते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोनों साइड का व्यू। अरे इनटेक वेल, तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब क्या सीनिक व्यू है, मज़ा आ गया। टैंक टैंक लवली।
तो ऊपर से भी यही व्यू दिख रहा था, लेकिन पूरा का पूरा लेक व्यू दिख रहा था, और जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही शानदार बनी हुई है यार। और उधर भी है, फ्लैट्स हैं कुछ मेरे को लग रहा है ये। इधर का व्यू भी देख लेते हैं, और इधर सारा पानी रोक रखा है, मतलब कि उस साइड पानी रोक रखा है, यहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ऑन एयर। तो यही है लवासा सिटी, सिटी कह सकते हैं आप, विलेज कह सकते हैं, बिल्डिंग्स तो काफ़ी हैं यहाँ पर, तो देखने लायक कुछ लग रहा है सिटी में। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी मैन, सो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है हर चीज़ यहाँ पर। तो 200 रुपये देना तो वर्थ रहा मेरा, अगर वो पार्किंग में यूज़ ना करे तो। अच्छा, लवासा सिटी यही है, लवासा इतना बड़ा है? हाँ ओके। आगे तो कुछ नहीं है? आगे है ना? आगे क्या है? होटल है ना? नहीं, होटल पे तो जाना नहीं, वापसी जाना है पुणे। एक दो कोशिश करेंगे ड्रोन शॉट्स लेने की, उसके बाद सीधा भगाएंगे हम अपने रूम के लिए। लवासा मैंने आपको दिखाई दिया।